प्रेफर करती है और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो एक्टिव होती है यहां पे हम इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल या अरेक्नेट्स की एग्जाम्पल जिसके अंदर स्पाइडर्स मौजूद हैं उसकी बात करेंगे कि स्पाइडर्स अगर हम और वेब स्पाइडर्स की बात करें और वेब स्पाइडर्स ऐसे स्पाइडर्स होते हैं जो एक रेगुलर वेब बनाते हैं अब अगर एक जगह पे डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं और सारे के सारे और पेप स्पाइडर्स हैं तो वो क्या करते हैं वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर अपने वेब बनाते हैं फिर उनके वेब का साइज वेरी करता है उनके वेब का एंगल जो है वेरी करता है फिर वो डिफरेंट टाइप्स के प्रे के ऊपर फीड करते हैं इसी तरीके से डिफरेंट स्पीशीज जो है उनकी एक्टिविटी टाइम वेरी करता है इसी तरीके से फूड प्रेफरेंस उनकी डिफरेंट होती है बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो स्मॉल साइज इंसेक्ट्स के ऊपर या सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं बहुत सारी स्पीशीज लार्ज साइज के प्रे के ऊपर फीड करती हैं इसी तरीके से स्पीशीज का प्रे कैप्चर करने का जो मेथड है वो भी वेरी कर सकता है बहुत सारी स्पीशीज सिट एंड वेट प्रीडेटर्स होते हैं ये अपने वेब के अंदर या किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मौजूद रहते हैं और वेट करते हैं अपने प्रे के लिए बट देर आर सम अदर स्पीशीज समीज आर एक्टिव प्रीडेटर्स विच एक्टिवली चेज देयर प्रे तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पीशीज हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी फूड प्रेफरेंस उनकी दूसरे ऑर्गजम्स के साथ इंटरेक्ट करने का जो तरीका है इसी तरीके से उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस या उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो भी वेरी करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रोसोफिला मुलेरी और ड्रोसोफिला एल्ड्रिची ये दोनों जो है जो डिकेंग पाल्प होता है फ्रूट्स का वहाँ पे मौजूद होती हैं लेकिन इन दोनों स्पीशीज के अंदर डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जो यीस या बैक्टीरिया के ऊपर ये स्पेशलाइज होते हैं यानी ये जो दोनों स्पीशीज जो हैं दे आर स्पेशलाइज टू यूटिलाइज स्पेसिफिक टाइप ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया। इसी तरीके से अगर हम टेप वाम की बात करें तो ऐसे टेप वाम की टेप वाम जो कि ह्यूम्स के अंदर हैं या ऐसे टेप वाम जो पिक्स के अंदर मौजूद हैं वो स्पेसिफिक हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हैं इसी तरीके से अगर हम गैलापेगोस फिंचिस की बात करें तो गैलापेगोस फिंचिस जिन हैबिटेट के अंदर मौजूद होती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक करेक्टर्स मौजूद होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट या उनका जो बी का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है तो ये वो करेक्टर हैं जिनकी बेस के ऊपर हम स्पीशीज को एक दूसरे से डिमिलिमेट कर सकते हैं उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं क्योंकि ये वो करेक्टर हैं जो कि स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स को एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करते हैं और इन टेक्सोनॉमिक टेक्सोनोमिक्रैक्टर्स को टेक्सोनॉमी के अंदर यूज किया जाता है ताकि स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें